वार्ड क्रमांक 57 के नगर सेवक देवेंद्र आम्बेकर ने सीधा निशाना साधा शिवसेना और बीजेपी पर और अपने द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया। जोगेश्वरी पश्चिम के वार्ड क्रमांक 57 के बहराम बाग के कांग्रेसी नेता देवेंद्र अम्बेकर पिछले 2.5 साल से इस वार्ड के नगर सेवक हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया। उनका कहना है कि इस वार्ड में मैंने अनगिनत काम किए हैं, जैसे कि यहाँ पहले नालों का पानी घरों और मस्जिदों में जाता था, उसकी मरम्मत कराए। 20 साल सत्ताधारी पक्ष के नगर सेवक थे, पर इस विभाग में स्ट्रॉन्ग मोटर ड्रेन की समस्या बहुत सारी थी। स्ट्रॉन्ग मोटर ड्रेन के आउटलेट नहीं थे, इसलिए वीरा देसाई कॉरी रोड के ऊपर पानी बहता था और हमारे मुस्लिम समाज की बंधुओं को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद भी है और मस्जिद में कम से कम 6 से 7 हज़ार हमारे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने को आते थे और मस्जिद में भी के बाजू से और रोड से बहुत गंदा पानी बहता था। और उसके बाद ये जो मेरा विभाग है वो पहाड़ी इलाका है, फिर नीचे वाला इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे पानी की दिक्कतें भी बहुत सारी थी और रोड्स की समस्या बहुत सारी थी। रोड अच्छे नहीं थे, जैसे कि कैप्टन सावन मार्ग में हर साल बारिश के अंदर खड्डों में रस्तों में खड्डे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे इस विभाग में पानी की समस्या का बहुत प्रॉब्लम है, रस्तों का प्रॉब्लम है, रास्ते बराबर ठीक की उसकी मरम्मत नहीं हुई है। उसके बाद शौचालय के प्रॉब्लम्स है और जो स्लम्स एरिया है, स्लम्स एरिया में जो SRA में अधिकाधिक एरिया गिर चुका है और SRA में जाने की वजह से आधे लोगों के घर SRA के स्कीम की वजह से तोड़े गए और आधे बस्ती है वहाँ पे, पर उनको भी जो नाले रहते छोटे छोटे नाले, उसके आउटलेट की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से पानी बहता था आउटलेट नहीं होने के कारण। वैसे उस विभाग में शौचालय भी थे, उस शौचालय की सेवर लाइन्स का प्रॉब्लम था, सेवर लाइन नहीं थी, सेवर लाइन नहीं होने के कारण वहाँ पे सेफ्टी टैंक्स था और पहाड़ी इलाके में और स्लम के अंदर शौचालय होने से हमको जो हमारी सकिंग गाड़ी है, सेफ्टी गाड़ी है, वो जाने की बहुत दिक्कतें होती थी। ऐसी शौचालय के प्रॉब्लम, पानी के प्रॉब्लम, रास्तों के प्रॉब्लम, सेवर लाइन्स के प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी समस्या बिकट इस विभाग में थी। मुझे यहाँ अभी आके 2.5 साल हो चुका है। हमने जितने शौचालय दुरुस्ती करने के थे या उसका नवनिर्माण करने का था, वो मैं हमारे सांसद गुरदास कामत जी और विधायक बलदेव खोसा जी इनके निधि से बहुत सारे हमने शौचालय उसको नवनिर्माण किया, रिडेवलपमेंट किया। और इसमें काजूपाड़ा के है, फिर रंबाबार के पीछे है, यादव नगर में हमने बनाया, बांदीवली हिल में शौचालय बनाए, धंधनचाल में हमारा काम चालू है, काजूपाड़ा में लगभग हमने 3-4 शौचालय का निर्माण किया, उसमें एक एक शौचालय में 10-10, 12-12 सीटर शौचालय है। देवेंद्र जी ने शिवसेना और बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं इस वार्ड में 2.5 साल से नगर सेवक हूँ, लेकिन पिछले 15 से 20 सालों से जो यहाँ के नगर सेवक हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं। देवेंद्र जी BMC के विपक्ष नेता भी हैं और उन्होंने सड़कों की खराब हालत के लिए सत्ताधारी शिवसेना और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में भी बताया। हम अभी आपको बता रहा था कि मैं शौचालय का हमने निर्माण किया है और भी सारे शौचालय, उसके भी रिपेयरिंग के हम लोग सुविधा कर रहे हैं। बीच में शौचालय की बारिश की वजह से कंपाउंड वॉल भी गिर रही थी, उसका मतलब इरादे से कॉरी रोड पे उसकी भी हमने मरम्मत की है और जो गलियां है उसका भी डेवलपमेंट का हमारा काम चालू है और कैप्टन सावन मार्ग का नवनिर्माण का हमने सीमेंट कॉन्क्रीट रोड का काम चालू किया है, वो नेक्स्ट ईयर पूरा हो जाएगा हमारा। वीरा देसाई कॉरी रोड का जो नया रास्ते का बना रहे पेवर ब्लॉक्स में, वो अक्टूबर में चालू होने वाला है, उसका भी काम पूरा हो जाएगा अक्टूबर के बाद, मतलब इस साल के अंदर कंप्लीट होएगा 2014 के अंदर। फिर सखा रोड हमने लिया है, फिर बांदीवली हिल रोड लिया है, ये रोड के भी एस्फाल्ट का काम इस साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और जो यादव नगर के अंदर वाली गलियाँ है या बांदीवली हिल के अंदर वाली गलियाँ है या क्रांति नगर की गलियाँ, उसका भी काम हम 2014 तक दिसंबर तक पूरी की पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश ने हम करवा के करके देंगे।